बनाने की पहली क्या शिकरा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबके रोजे सही गए होंगे और आप सब ने सारे रोजे भरे होंगे। तो अभी का सीन ये है कि अभी बजे है 5:30-6 ईद नमाज, तो मैं अभी रेडी होता हूँ ईद नमाज के लिए, नहाना वगैरह और कपड़े भी चेंज करने हैं। तो अभी जल्दी जल्दी से सारा कुछ करते हो तो उसके बाद जाते हैं ईद नमाज पढ़ने, उसके बाद देखते दिन में क्या सीन रहता है आगे। हाँ तो हो गया, मैं अभी रेडी अभी करा है, उमर और पापा नीचे वेट, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से बिकॉज वो बहुत टाइम से बुला रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम हो गया। ठीक है, और देखो मैंने जूता पहना अंधेरी रूम में, मैंने जूता पहना बिकॉज ये नया ही है तो इसीलिए मैंने अंधेरी पहना। तो चलते हैं अब जल्दी, कुछ लेट बहुत हो गया, आधा घंटा रह गया कुल नमाज में। चलिए साहब, उमर साहब ईद मुबारक, ईद मुबारक, फादर साहब ईद मुबारक। चलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाउ हैव यू बीन? तो अभी जा रहे हैं हम कब्रिस्तान बिकॉज नानी की पहली ईद है, और बिकॉज नानी की पहली ईद है सो अभी जाते हैं फातिहा वातिहा पढ़ के आते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, चाचू के घर भी जाना है बिकॉज दादी भी है वहाँ पर। ठीक है, सो जाते हैं जल्द से जल्दी, अभी हम यहाँ पर है इसके बना शहीद मरगुजार के पास, जल्दी जल्दी जाते और आते हैं वहाँ से घर। हाँ तो पढ़ ली नमाज भी अच्छे से और सारे और ईद के दिन बारिश होना मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, अब तो एक ही बात है, देखो बारिश अभी हो नहीं रही है बट होने वाली है, ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा भी चल रही है तेज तेज तेज। उमर हमारा प्लान क्या था आज का? वैसे इतना कुछ तो नहीं था, ज़्यादा सोने का। वैसे हमने कुछ खास प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मैंने कल का प्लान बनाया था, कुछ हमें जाना था कैंपिंग पे बट मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे बिकॉज इस वेदर में जा पाना इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखते हैं, फिलहाल तो हम रेस्ट करेंगे बिकॉज हम बहुत थक गए, रेस्ट करेंगे, चाय वगैरह तो पी ली हमने, मैं बोलने वाला था रोज़ा हूँ मैं लेकिन अब आदत लग गई है ना। ठीक है, तो अब करते हैं हम रेस्ट, देखो ये कैसे बैठा है, मैं चलो आज भी होता उसके बाद देखते हैं, अगर कुछ दिखाने को मिला तो दिखाऊंगा। बाय बाय। सो बारिश भी हो गई है स्टार्ट, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़, और मैं निकल रहा हूँ चाचू के घर कुछ दादी को जाना है ईद सलाम करने। ठीक है, मैं मतलब रोज़ ईद पे जाता हूँ पहले उन्हीं के पास, सो अभी चलते हैं वहीं पर और उसके बाद देखते हैं कैसे रहता है, जल्दी जल्दी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है इसीलिए मैंने बोला उमर को मैं छोड़ता हूँ बिकॉज उसको छाता साथ नहीं था, उसको मुझे घर छोड़ना है तो यहीं रहता, ज़्यादा दूर नहीं है। लगे हाथ स्कूटी की वॉशिंग भी हो गई, सबसे पहले वहीं से आते हैं उसके बाद जाते हैं चाची के घर। बाय। मैंने सोचा था ईद से पहले मैं वॉशिंग कराऊंगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा था ना स्कूटी धोने का टाइम, बिकॉज व्लॉग भी बहुत लेट आ रहा है आई नो। तो स्कूटी भी धुल गई अभी बारिश के पानी से, अभी मैं कर रहा हूँ घर वालों का वेट, वो अंदर चाय पी रहे हैं, तो अभी जाते हैं फिर चाचू के पास। देखो लैला मजनू की जोड़ी कैसे चल रही है, तो गाइस ये फ्रेम शूट हो रहा है पिछले फ्रेम के एक दो घंटे बाद लगभग, बिकॉज बारिश पड़ रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अब बंद हो गई थोड़ी सी। अब जा रहे हैं हम उमर और मैं अबरार के घर बिकॉज वो एहतिकाम में था। ठीक है, अब नज़र देनी बंद की है, अब मैं जा रहा हूँ स्कूटी पर लेकिन मुझे नहीं लगता इसको पेट्रोल है, ये बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं करी है, मैं शॉप पर होता हूँ, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ दानिश की स्कूटी पर। ठीक है,
उमर कर रहा है वेट, अब मैं देखूँ पहले स्टार्ट हो गया नहीं। बिस्मिल्लाह, इसको किट देनी पड़ेगी। बाय उमर। सबसे पहले हम फोटो एक दो उठाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है? क्योंकि सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ, फोटो कब उठाऊंगा, फोटो कब उठाऊंगा। अब बारिश थोड़ी थम गई तो आप फोटो उठाएंगे, और जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है वो भी करो, मेरी आईडी दिख रही होगी कहीं पर। सो अब जाके पहले फोटो, उसके बाद जाके आप जाके करता भाई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत छा ठीक? कब आए वहाँ से? अच्छा बकवास, सो हो गई चाय भी। बस साहब आज बहुत जज रहे मेरा स्पेक्स लगा के, शुक्रिया। अल्लाह मौली साहब, सो हो गया, यहाँ का सीन भी खत्म। अब चलते हैं घर, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और हमने रील्स वगैरह भी उठा लिया, अभी पूरी परफेक्ट नहीं उठी है। अब जैसी भी उठी है तो आप लोग लाइक कर देना, ठीक है? सो अभी कर रहे हैं आप वजू, हम भी चलते हैं यहाँ से समेट के, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी आ गया था मैं जहांगीर चौक, बिकॉज मैं ननिहाल में था। सो दानिश ने किया कॉल, बोला जाते कहीं पर, बिकॉज सुबह से तो घर पे थे इसीलिए उसने कॉल किया, बोला जाते कि, मैंने बोला चल ठीक है। उसने बोला पहुंच जाएंगे चौक, अब मैं कर रहा हूँ इधर वेट उसका इधर पर, ठीक है? अब जब तक वो आता है तो तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, वैसे उसको 5-10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं, अभी कोई प्लान नहीं बना है। कहाँ है तू, क्या कर रहा था यहाँ, तू क्या कर रहा था, क्या शी कर रहा है? एक घंटे से मैं इसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, जूता ठीक कर रहा है। देखो हम किन गलियों से घूम रहे हैं, ये गलियां हमने देखी भी नहीं। देखो हमें जाना है डल, लेकिन वहां से पकड़ते हैं हमें इसीलिए कहीं गली से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। गणेश नाव में चढ़े खसो ना, चलो चलो। सो अभी आ गए थे हम डल गेट, और हमें यहाँ पर दिखा एक्वेरियम, वो दिख रहा है एक्वेरियम, अब हमने देखा देखते खुला है नहीं, और हमें बहुत बड़ी मछली दिखी। ये देखो ये बराबर दानिश की जैसी, दानिश जरा तो इसके साथ बैठ। अब देखते अगर खुला होगा एक्वेरियम तो देख, वैसे नहीं खुला शायद, बंद है या इस रेस्टोरेंट पर इधर से एक्वेरियम। ये देखो मछली जल की रानी है, चुकर चुकर दरवाजे बंद है, और डल लेक में दिखाने के लायक है नहीं कुछ, अब बस बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाया है ऑलरेडी, अब क्या करें। अब क्या मतलब बोरिंग इंटो 100 ईद गई कसम से, इससे बेटर था मैं घर पे ही रहता सो जाता, मतलब आज इधर उधर 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 पता ही नहीं चला दिन कहाँ से गया हुआ, लेकिन बोर भी बहुत हो गया, कुछ खास करने को था नहीं, अब देखते हैं। हाँ तो इसके बाद गए थे हम राजबाग फिलिकर्स, लेकिन फिर खुद ही देखो फिर क्या हुआ। बंद है, बंद है आज, कुछ खुला क्यों नहीं है समझ नहीं आ रहा, चलो वापस यहाँ भी नहीं। तो अब कोई खुला तो था नहीं, आप कुछ खाएंगे बिरयानी वगैरह दुआ से हम भूखे ही है, अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ भीड़ है। सो पहुँच गई बिरयानी हमारी, यहाँ पर शोर है इसीलिए मैं ज़ोर से बात कर रहा हूँ, ठीक है? बिरयानी खा के हम उसको हजम कर रहे हैं यहाँ पर कोंगपोश, ठीक है? ये लेकिन अंदर से बंद है, सो हमने सोचा यहीं पर बैठते हैं, इसने कुछ ऑर्डर कर रहा है। तूने क्या ऑर्डर किया? बिरयानी, इसने बिरयानी। अब हम यही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो उसके बाद चलते हैं घर, बिकॉज लेट भी बहुत हो गया। टाइम देखो क्या है, देखो टाइम 6:42। सो अब चलते हैं घर, और मैं करता हूँ घर पे इस व्लॉग को भी एंड, बाय बाय। हाँ तो अब पहुँच गए मैं घर, लगभग 7:30 बजे शाम के, ठीक है? अब मैं करता हूँ चेंज, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चेंज करता हूँ, कुछ खाने का तो मूड है नहीं, और सीधे जाता हूँ सोने, और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हाँ व्लॉग थोड़े लेट आ रहे थे सॉरी फॉर देट, बट आज से इंशाल्लाह हफ्ते में एक या हफ्ते में दो व्लॉग आएंगे, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा हफ्ते में दो व्लॉग डालने की, और हाँ 10K जल्दी कर दो प्लीज़। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।